हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नीट 2020 का इस बार का फिजिक्स क्वेश्चन क्या क्या आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो हम लोग आज जानेंगे। और हम लोग 4 क्वेश्चन हम लोग को मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर से क्लास 12 का ये चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इस बार 2023 में नीट का जो पेपर है फिजिक्स पेपर, उस पेपर में से 4 क्वेश्चन हम लोग को मिला। एक्चुअली 4 क्वेश्चन आया है, तो इस बार 2023 का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन वेरी सिंपल है, इस चैनल पे ये चारों क्वेश्चन ऑलरेडी सिमिलर टाइप का सॉल्व करवा चुका हूं, तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू कितना? 4 न्यूटन मीटर। टाउ टॉर्क भी गिवन है। सो हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जनरली तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में बिठाएंगे, बट इस बार आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे गिवन लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। 4 न्यूटन मीटर, थीटा कितना है? थीटा है 30 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देखो एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्टली पूछे गए हैं। डाइपोल लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना है? याद रखना है इसको मीटर में। 2 × 10⁻⁂ मीटर, करेक्ट। अब कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज पूछा है। देखो जनरली यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे टॉर्क। सो जो आइडिया है वो टॉर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि Q कितना है, राइट? चार्ज हम लोग को निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, राइट। ऑलरेडी ये बहुत बार ये पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। अब देखो टाउ, अच्छा P मतलब क्या है? P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, सो Q × D, ठीक है ना, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड sin थीटा। और इधर टाउ है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? पी इज इक्वल टू जनरली जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं कैसे? twice A × Q, यानी कि twice A है डिस्टेंस। याद रखना A डिस्टेंस नहीं है, डाइपोल लेंथ twice A, यानी कि ये twice A अगर तुम इस गिवन पार्ट में लिखोगे twice A = 2 सेंटीमीटर, ओके। याद रखना ये पूरा twice A है, गलती मत करना। यहाँ पे टाउ 4, Q हम लोग निकालेंगे, D कितना है? 2 × 10⁻⁻2। वेरी सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। साइन थीटा कितना है? हाफ। सो यहाँ पे कैंसिल आउट करो। देखो 2 कैंसिल आउट, 2 यहाँ से 2 कैंसिल आउट चला जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻2, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻3, ठीक है। सो Q कितना बन जाएगा? Q इज इक्वल टू 2, इस साइड में 2 है, इंटू 10⁻−3 कोलम, यानी कि ऑप्शन में देखना पड़ेगा मिली कोलम में दिया है, यानी कि 2 मिली कोलम, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन 1, 2 मिली कोलम, ठीक है। कितना सिंपल है। डायरेक्टली अगर तुम यहां से स्टार्ट करोगे फिर भी 1 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। हार्डली 10 सेकंड लगेगा। देखो समझना पड़ेगा क्या पूछा है क्वेश्चन में। E.ds = 0। अब E.ds मतलब क्या? देखो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स, जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना फ्लक्स निकलेगा, वही तो E.ds = 0, यानी कि flux = 0। E.ds मीन्स फ्लक्स, तो flux 0 कब होगा? देखो ऑप्शन 2 को पढ़ो। देखो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लीविंग इट। जितना एंटर करेगा उतना ही तो लीव करेगा ना, तो सेम नंबर एंटरिंग, सेम नंबर लिविंग, सो दैट मीन्स phi = 0, ओके। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना सिंपल है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चैप्टर 2 से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ये एक सर्किट है, सिंपल सर्किट। देखो ये दोनों 3-3 है, तो 3-3 का हो जाएगा, यहाँ पे देखो पैरेलल है, तो पैरेलल होने से क्या होगा? 6 माइक्रोफेराड हो जाएगा, सम हो जाता है 3 + 3, ठीक है। तो जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड। अब दोनों क्या है? सीरीज में, सीरीज यानी कि 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करो 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3/6 हो जाएगा 2। तो c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। वेरी सिंपल, जल्दी से जल्दी इसको करना है, ठीक है। सो 2 माइक्रोफेराड यहाँ पे ऑप्शन है। 2023 का क्वेश्चन है, देखो 2023 का तुम लोग अगर नेट में सर्च करोगे यही क्वेश्चन मिलेगा। 2023 का फिजिक्स क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना ईजी है, थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, तभी तो 4 मार्क्स मिलेगा। देखो 16 मार्क्स आया है, टोटल 16 मार्क्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितना मार्क्स? टोटल 16 मार्क्स आया है, 16 मार्क्स एकदम गिफ्ट है, 16 मार्क्स गिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 4, नंबर 4। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ये है फिगर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10^2 वोल्ट, ऐसा 10^2 वोल्ट में आंसर निकालना है एट पॉइंट पी। पी कौन सा पॉइंट है? ये है पॉइंट पी, ठीक है। ड्यू टू डायपोल इज कितना होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सपोज पकड़ लेते हैं ये VA, ये VB, तो P पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो VA कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे माइनस Q, ठीक है। ये डिस्टेंस पूरा निकालना है क्योंकि A पॉइंट से कितना होगा वो हो जाएगा, देखो ये पूरा 5 है तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 5 - 3। सो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 3 + 2 यानी कि 8। सो 8 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10^-2। ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, माइनस KQ/8 इंटू 10^2, ठीक है, इतना। इसको एक इक्वेशन रखो। अब VB निकालो, B पॉइंट से निकालो। B पॉइंट से कितना आएगा? KQ आ जाएगा बाई, ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर, सो 2 × 10^-2 है कि ना। तो यहाँ पे KQ/2, यहाँ पे 10², ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स V इज इक्वल टू हो जाएगा VA + VB, ठीक है। वेरी सिंपल, इन दोनों को ऐड करो। ऐड अगर करोगे तो देखो KQ/2, हाँ 2 नहीं, इसको छोड़ो, KQ × 10^2 ये निकल जाएगा कॉमन, तो रह जाएगा 1/2 - 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से KQ बाहर, 10²। अब देखो इसको LCM करो, 8 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 - 1 यानी कि 3/8। देखो ऑप्शन के साथ मैच कराओ, 3/8 है, 3/8। अब देखो 3/8 KQ × 10² वोल्ट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 10² नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि 10² वोल्ट में निकालना है, यानी कि यहाँ पे 10² वोल्ट, ये ऑलरेडी ये पार्ट क्वेश्चन में पूछा है, दे दिया है। दैट मीन्स बाकी कौन सा रहेगा? ये 3/8 KQ। सो ऑप्शन मैच कराओ, 3/8 KQ, सो ऑप्शन 2। वेरी सिंपल, जस्ट जो फॉर्मूला बेस्ड होता है वही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, और इस चैनल पे बहुत सारा इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है मैंने, लाइव स्ट्रीमिंग भी किया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी सॉल्व करो और बस पढ़ते रहो, बस यही नीट हो जाएगा बिंदास, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो में लाने वाला हूं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो क्वेश्चन आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म करो, फॉर्मूला को रखो साइड में, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। विद दैट, गुड बाय, थैंक यू।